फेमस टांडी ब्रिज। हम लोग आ गए हैं कीलांग और अभी साइड में ये देखो कितने बढ़िया पेड़ लग रहे हैं, ट्रीज वाइट ग्रीन टाइप का कुछ उस पर पत्ती है। और ये जो आप राइट में देख रहे हो ना, ये पूरी कीलांग सिटी है। सो 3 किलोमीटर्स है, पास में ही है, पूरी दिख रही है। तो वैसे अपना तो कोई प्लान है नहीं, मुझे भी दिखा दो। तो वैसे अपना कोई प्लान है नहीं कीलांग में रुकने का, और प्लान कर रहे हैं कि जिस पास से भी आगे बारालाचा है वहाँ चलें, बारालाचा पास। तो एक बार प्लान ये है कि जिसपा चलते हैं, वहाँ पर रूम ले लेते हैं, फिर करते हैं प्लान कि बारालाचा आज जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं गए तो कल जाएंगे आईबेक्स होटल जिसपा, इसमें फ़ोन कर सकते हो एक बार कि सीधा देखेंगे। तो अभी यही प्लान है, चलते हैं। आप मज़े करो व्यूज़ के, व्यू तो अल्टीमेट है भाई। और ट्रैफिक तो बिल्कुल आपको 5% होगा, क्यों भाई विकास? नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, मतलब इससे कम क्या ही ट्रैफिक होगा। अगर मैं कहूँगा अटल टनल के बाद, हाँ, ट्रैफिक है ही नहीं। अटल टनल के बाद तो ट्रैफिक ऐसा है कि जैसे यू टर्न मार के और फोटो खींच के चले गए घर। ये देखो बाइकर्स, बट हाँ यहाँ पर है सिर्फ बाइकर्स का, क्योंकि आई थिंक दे ये सब लोग लेह लद्दाख वाला ट्रैक पे से आ रहे हैं। ये है पूरा अल्टीमेट, ऊपर के हिल्स देखो भाई क्या चमक रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट है ना कि जहाँ हम रोड पर चल रहे हैं वहाँ तो धूप ही नहीं है। बढ़िया, मज़ा आ गया, आप भी मज़े करो यूके। रोड्स तो बहुत बढ़िया हैं, मतलब आई थिंक लगता है कि कोई बंदा अगर 90% में गाड़ी चलाना जानता है ना और लिमिट में चलाता है तो वो यहाँ ड्राइव कर सकता है। आपको ज़्यादा स्पीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस होले होले गाड़ी चलती। कैसे भी निकलना चाहिए कटरा से उदयपुर। अरे बहुत बढ़िया, जम्मू कश्मीर कटरा से। बस चल रहे हैं रोड्स पर, बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये कुछ ब्रिजेस का कुछ नाम तो है नहीं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। और अभी हम टांडी ब्रिज से करीब 5 किलोमीटर्स आगे आए हैं टूवर्ड जिसपा। तो बढ़िया है, रोड्स तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े थोड़े पैचेज हैं जिस पर अभी रोड्स बन रहे हैं। लैंडस्केप देखिए, बिल्कुल न्यू लैंडस्केप है यहाँ पर माउंटेन्स का। राइट साइड में थोड़ा थोड़ा ग्रीन है, स्नो है, बट लेफ्ट में तो बिल्कुल ही रॉकी हिल्स हैं और खतरनाक भी लगते हैं कहीं कहीं पर तो देखने में तो। बट ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी और रोड्स की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, तो आपको ड्राइविंग में कोई ऐसी खास दिक्कत होने नहीं वाली। तो ओवरऑल जर्नी बढ़िया चल रही है। एंड इसके अलावा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि थोड़ा यहाँ पर ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती रहती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलाइए गाड़ी। जगह जगह वार्निंग बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्टोन पेल्टिंग एरिया है, ये सब कुछ है। ये हिमाचल रोडवेज की वॉल्वो है, अभी ये प्राइवेट वॉल्वो है आई थिंक, ओके हिमाचल की ही है, क्योंकि हिमाचल की जो मेन वॉल्वो थी उसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्राइवेट ऑपरेटर के थ्रू चला रहे हैं। ये यहाँ से करीब 1-1.5 बजे चलती है जिसपा से, ओके सॉरी कुंदन ने करेक्ट किया, जिसपा से नहीं, बारालाचा से। और ये दिल्ली पहुँचती है नेक्स्ट डे 11-12 बजे। तो बढ़िया है, अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है, एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है, क्योंकि ये जगह काफ़ी दूर है तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब है, और व्यूज़ तो अल्टीमेट है ही, आप देखिए कितने बढ़िया मज़े करिए व्यूज़ देख के। और आई थिंक अभी हम लोग कीलांग से थोड़ा सा आगे आए हुए हैं, जिसपा की तरफ जा रहे हैं, तो अब थोड़ा डाउन हिल जा रहे हैं। फ्यूचर में मुझे लग रहा है ऑफ रोडिंग बाइकर्स के लिए ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ रोड्स होंगी बढ़िया बढ़िया, इन पर वॉल्वो दौड़ा करेगी। और मुझे लग रहा है कि ये जितने भी टूरिस्ट जो मनाली तक आते हैं ना वॉल्वो से, ये फिर सरचू और ये सब जगह टच करना शुरू किया करेंगे। पर ठीक है यार, टूरिस्ट अगर टूरिज्म डेवलप हो रहा है इंडिया में तो प्रॉब्लम क्या है, इनकम ऑफ सोर्स है वो लोगों का। ठीक है, क्यों भाई क्या कहते हो, इसे चढ़ा दो। तो गाइस ये नीचे अगर कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा, अभी कुंदन भैया के कैमरा लेते हैं उससे जस्टिफाई कराएंगे। तो ये अब हम जिसपा वैली में नीचे उतर रहे हैं, और वैली अभी दिख रही है, अभी दिखेगी आपको, दिखाते हैं। ये तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, पूरा बिल्कुल डिक्लाइन है, बिल्कुल भी रेस देने की तो जरूरत पड़ी नहीं रही। सो गाइस ये है जिसपा का हमारा होम स्टे, और ये बड़ा सा बिग रूम है, भाई को दे दिया बेड,
भाई रात में परेशान था, बीच में सुला दिया था भाई को, सपने आ गए थे। ठीक है, भूत आया था इसके, इस भाई के भूत आया था। नहीं मेरे नहीं आया था। ओके, तेरे नहीं आया था, इसके भूत आया था। तो भाई को सेपरेट स्पेशल बेड दे दिया, ये अपना वॉशरूम है बड़ा सा, ठीक है। और ये सामने का फ्रंट व्यू है, दिखाता हूँ आपको खोल के जरा। ये देखिए, ये देखिए पूरी वैली, बढ़िया, ठीक है ना। तो ये रूम है बड़ा सा, बिग सा, और पीछे भी इसके बहुत बड़ा स्टोन वाला पथरीला माउंटेन है। तो ये आज का कुछ हिसाब किताब था, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, सुबह से दौड़ रहे हैं, 5 बज गए, थक गए, फिर देखते हैं अगला क्या करना है, उस हिसाब से चलते हैं आगे। चलिए तो ये रूम से व्यू है बाहर का, ये रोड देखो कितनी बढ़िया लग रही है, और ये देखो पूरी वैली, ये रिवर। सो गाइस, ये है मोनेस्ट्री जिस्पा से 1 किलोमीटर टूवर्ड्स बारालाचा। तो अभी हम लोग आए हैं देखने मोनेस्ट्री को, अभी तो मुझे लग रहा है बंद है, आई थिंक थोड़ा लेट हो गए हम लोग, 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो काफ़ी ओल्ड मोनेस्ट्री है ये, देखते हैं अभी, पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, ये है, चलते हैं अभी अंदर चलते हैं। ओके, जिस्पा शुंग दामचा फाउंडेशन लेड बाय द दलाई लामा ऑन 24 जुलाई 1994, इनॉग्रेट बाय श्री रवि ठाकुर 30 अक्टूबर 1994। ओके, तो ये कुछ है, चलते हैं, चलिए अंदर। सो फाइनली हम आए हैं, सो शाम की चाय पिए बिना हम लोग निकल गए हैं ऑफ रोडिंग पे। लोग निकलते हैं 4x4 से, ये तो 2x2 भी नहीं है पूरी। बहुत दूर हमारा होटल, बहुत दूर, रेड कलर की हट वाला हमारा होटल, आराम से ले जा रहे हैं, हौले छोटे छोटे पत्थर है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी को। अरे भाई यहाँ तो एल्टो गई हुई है, तो फिर अपनी तो बहुत है, अपनी धनो तो बहुत तेज है, पर मज़ा बड़ा आ रहा है। और व्यू देखो, एक्चुअली हम जा कहाँ रहे हैं, अभी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, बेटा कहाँ घूम रहे हो? तो हम जा रहे हैं नदी किनारे, सामने है नदी, हम जा रहे हैं नदी किनारे, ठीक है ना। हम किस नदी जा रहे हैं? वो गली नहीं है ना, ये नदी है, ये नदी है, यस। तो चलते हैं, कल थे कुल्लू मनाली की नदी के पास, आज है हम जिस्पा की नदी के पास। जाने को तो हम बहुत जगह जा सकते थे, बट नहीं जाएंगे, रेस्ट लेंगे, रेस्ट बहुत लेते हैं, थोड़ा घूमते हैं और ज्यादा रेस्ट लेते हैं। थोड़ा सा घूमेंगे, अट्रैक्ट कर लिए ना सीसू वाला, अब रेस्ट करेंगे, अब रेस्ट करेंगे। तो अब रेस्ट हो गया है, तो बड़ी मुश्किल से खींच के लाए हैं गाड़ी में बिठा के इन्हें, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आ गए हैं, यहाँ बन रहा है माहौल लड़कों का, बनने तो भैया माहौल तो बनाना आते ही लड़के, बट कोई नहीं, अपने को कुछ नहीं करने का है, अपने को यहाँ गाड़ी लगाने का है और रील बनाने का है। रील बनाएंगे हम बैठ के, अब लव यू जिंदगी। चलो जी, ये आ गए हम यहाँ, चलिए। चलो गाइस चलते हैं, इवनिंग हो गई है, अब तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, भूख भी लग रही है, थोड़े से स्नैक्स खाते हैं, थोड़े से पकोड़े आ जाए, चाय आ जाए साथ में, फिर चाय पकोड़े के साथ मजा आ जाए, ठंड आने लगी है, चाय वाली काली मिर्च और अदरक पुड़ी चाय मिल जाए ना भाई, चाय चलिए पीते हैं, जन्नत आगे था वो, चलते हैं बाहर ही पी लो, क्या दिक्कत है, बाहर है, ठीक है। तो अपन लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से चाय और पकौड़े खाने, ठीक है, क्योंकि हमारा हिसाब आप लोगों ने देखा है पुराने वीडियोज में, कहीं भी जाएंगे माउंटेन में तो पकौड़े जरूर खाएंगे, ठीक है। हाँ, ये अब
लामा का और उनका वो आ गया ना ये एरिया यहाँ रहती है जहाँ हमने वो करा था वो फ्लैग तो चाहिए मुझे गाड़ी के लिए बड़ा मन है मिल जाए कहीं दिलवाओ यार कुछ यहाँ का ऐसे पूछ लेते ना हम लोग आ गए फुल फॉर्म में टोपा और ठंड का मजा ले रहे हैं हमें इसमें ऐसे क्या बोलते हैं ठीक है मफलर बांध के और चल रहे हैं जरा जा रहे हैं सामने रेस्टोरेंट ठीक है हमारे विकास भाई की तो कहानी अलग है ये हमारा होटल है ये मेरी फिंगर पे और ये रेस्टोरेंट है अब समझ लो इतनी ठंड में यहाँ खाने खाना जाना है भाई को ये हॉस्टल कुछ लॉज इस टाइप का है लोग आते हैं रात में रुकते हैं अपना लेके लिए निकल जाते हैं खाना पीना करना है यहाँ खाना पीना करो तो ठंड लग रही है भयंकर इनर पजामी वजामी सब पहन लिया और अभी भी ठंड लग रही है क्योंकि अभी टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री अभी पता नहीं कितना गिरेगा तो लग रही है भूख चाय पीनी थी जा रहे हैं अभी चाय पैक कराएंगे और कुछ स्नैक्स बनवाएंगे फिर देखते हैं चलो हे गाइस गुड मॉर्निंग सो कल रात को वीडियो ऐड करना भूल गए भूले क्या बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो सो गए हम लोग और अभी जस्ट उठे हैं और ये कुछ बाहर के नज़ारे हैं ये सामने लोगों ने टेंटिंग करी हुई है पूरी रिवर साइड ये आप जिस पास से वीडियो देख रहे हैं अगर आप लोग वीडियो पे अभी ऐड हुए हैं तो और टेम्परेचर रात में चला गया था करीब के आसपास बहुत ठंड थी कंबल प्लस एक एक ब्लैंकेट प्लस रजाई ऐसे किया तब जाके मैनेज हुआ और मुझे तो रात में बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही थी गर्म पानी पिया तब जाके नींद आई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को सबको डाउट होता है कि नेटवर्क का क्या वो है यहाँ पर तो नेटवर्क यहाँ पर अगर आप जियो लेके आ रहे हो चाहे पोस्टपेड या प्रीपेड तो फुल नेटवर्क है आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो कॉल कर सकते हो कुछ भी करो बट एयरटेल और अदर जितने भी हैं कोई नहीं चलता बिल्कुल नहीं चलते तो जियो ने यहाँ पर भी बाजी मारी हुई है और इतने आउटर एरिया में भी बहुत अच्छे नेटवर्क है तो ये सब कुछ है चलो ये पूरा वीडियो कैसा लगा क्या और क्या कमेंट है क्या व्यू पॉइंट है आपके तो आप कमेंट करके बता सकते हो लाइक करना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बाय बाय